सब्सक्राइब कीजिए टेकवाज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी अन्य मोबाइल के थीम को आप MIUI के डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रेडमी या MIUI का मोबाइल यूज करते हैं तो आप किसी भी अन्य दूसरे मोबाइल के थीम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम उसकी पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। तो सिंपली इसके लिए तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन का नाम है, देख सकते हैं, MIUI थीम एडिटर। ये एप्लीकेशन मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक आपको फाइल डाउनलोड करनी, तो उसके बाद सिंपली आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है जो कि आपको अपने ब्राउज़र से डाउनलोड करना है। जैसे कि चलिए हमें किसी भी दूसरे पर मोबाइल के थीम को इंस्टॉल करना है, तो चलिए मैं सर्च करता हूँ iOS आईओ चलिए मैं सर्च मारता हूँ iOS 10। उसके बाद आपको सर्च मारना है MTZ डाउनलोड। डाउनलोड सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको शुरू में जो है उसी पर आपको क्लिक करना है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन में आ जाना है, जैसे कि MIUI थीम एडिटर में आपको आ जाना है। चलिए मैं MIUI थीम एडिटर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और जहाँ पर जो आपका फाइल डाउनलोड है वहाँ से आप उसे पिक कर लें। जैसे कि मैंने डाउनलोड फाइल में डाउनलोड किया है, देख सकते हैं, iPhone X MTZ, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो ओके का ऑप्शन दिखता है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो ये जो है आपकी फाइल लोडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कुछ भी मॉडिफाई और भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर चलिए सिंपली मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली आप फिनिश कर दें, यहाँ पर कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है। फिनिश करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर लें। चलिए मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो ये जो थीम है हमारा इंस्टॉल हो चुका है। चलिए मैं हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का मिलेगा। तो देखिए ये जो है iPhone X की थीम है जो कि मैंने रेडमी के मोबाइल में यूज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार भी काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से कोई भी अन्य मोबाइल के थीम को आप रेडमी या MIUI के जो भी मोबाइल हैं उस पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।